सो है गाइस देखा नहीं किसी ने, कुछ एडिकेट्स भी होते हैं, सब अपना चिल कर रहे हैं, करने दे डैडी। हाँ तो डैडी से याद आया, डैडी पे होने वाला प्रैंक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तगड़ा। तो भाई अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं क्या प्रैंक करने वाला हूँ। ओके भाई राम राम, भैया को हमेशा खुश रखा करो, जो भी ऐसे भाई कनाडा नहीं आ गया, वैसे चुप रहता है। ओके भैया जी, वो जुड़ गए एक बार, मैच खिला डाला ना मनमर्जी को, एक बार लेके गए हम टीएमटी, टीएमटी ईमा ईमा नहीं आमा कैफे ईमा, ये उसकी उठा ली ना मैगी की, दोस्त की गाड़ी पे जो दिखे उठा के अपनी गाड़ी पे रखो, क्योंकि फर्क नहीं होता दोस्त की गाड़ी और अपनी गाड़ी पे। ठीक है, अब दूसरी बात तुम्हें बताता हूँ कि भाई मैं सोच रहा हूँ, देखो मैं वैसे धुएं से इतनी एलर्जी करता हूँ, जो ये वेप हो गया, सिगरेट हो गई, इन सबसे ना मेरे को बहुत एलर्जी है, मैगी कसम, और मेरे घर वालों को मेरे से भी ट्रिपल चोगल पता नहीं कितनी एलर्जी है, मतलब जितनी इसके उसकी जितनी तुम सोच भी नहीं सकते ना। तो आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है वेप वेप वेप, तेरे मुंह पे डालता हूँ अगर मैम क्या लौड़ा है, वेप 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 कितना ट्रेंड चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी बैठ गई, अभी देखो गाइस गाड़ी बैठ गई, आराम से आवाज आएगी, देखो टायर फटा, मजाक बना रहे हैं तो प्रैंक ही है, वेब आजकल बहुत चल रहा है, आराम की है क्या, ठंडी ठंडी है तो आराम की, तो वेब आजकल बहुत चल रहा है, तो बहन के लोड़ो बोल, जयपुर जा रहे हैं अगले वीकेंड, चल रहा है क्या, पिंक सिटी, हाँ हम कुछ पिंक देख ले लाइफ में, तो क्या कहते हैं हम डैडी पे करने वाले हैं प्रैंक, कल मैं जाऊंगा ऐसी डैडी से ऐसी मजाक में, जेब से वेप निकालूंगा, यू करूंगा फिर में जो मार लगेगी, और ये सब अपने घर वालों के साथ देखना, उनमें भी ऐसी मार पड़नी चाहिए, और ये घर वाले धुएं से एलर्जी करते, जो भी बहन की जूद यार बहुत बोल दिया, मैं तुम्हें बस दिखा रहा हूँ कि डैडी बहुत नफरत करते हैं ये धुएं वगैरह से, कल डैडी के आगे करूंगा तो मेरे को मार देख लेना कितनी पड़ेगी, मैं 24-25 साल का हो गया हूँ, होने वाला हूँ सितंबर हो गया, तू भी 50 साल का हो गया, तेरी मतलब बोला कर किसके बीच में, तो आदत है क्या, अबे तेरी यार की तेरी के दिल ले, 24 साल का हो गया हूँ और अभी भी घर वाले कैसे गांड फाड़ेंगे वेप के नाम पे, चेक करना चलो। अबे तू इंसान है क्या, बहन के लोड़े एक साथ खाएगी, इसका मुंह करवा, मुंह खोल मेरा भाई, एक बार मुंह खोल, अबे एक बार खोल दे भाई, जितने इसके मुंह पे दाने नहीं उतने उससे ज्यादा, तो बहन का चिंगम है मुंह के अंदर, लिखा हुआ था कि व्हाइट हो जाएगा दांत, इसलिए तल्ले ने सारी खा गई, हां पी ले दा, सबसे पहले किसने आईडी निकाल के, तूने प्रॉब्लम आ गई, मेरा भी जी नहीं हो लगना, ओ दिन बच मर जाऊं सजना, भूख नहीं लगती मैनू, प्यास नहीं लगती तेरियां बाहें विच सिर, इसको बंद कर। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आजकल बहुत बंदों की गांड सुट रही है, क्योंकि हर जगह रील पे देखो, यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखो हम दिख जाते हैं, तो जिनकी गांड सड़ रही है देख के बोला बोला, उनकी गांड में कुत्ते का लोला, चलो मोटी मोटी अकड़ा शिकार हो गया, ये गाना तेरे लिए मेरी जान, आई लव यू बेबी, अभी तो नहीं है जब आएगी तब तेरे लिए भाई, गाना तो चला बहन के लबड़े, तू टक्करी यारां नूं बोले कंध बण के, और एंडिंग भी फ्रेंड बन के हो गई, आए तालियां, जो जो भाई रिलेट कर सकता है नीचे कमेंट करो, बोले ओए बहन के पकड़ लिया चल चल। सो गाइस पिछले कुछ दिनों से लग रहा है जैसे प्यार हो गया, मजाक कर रहा हूँ, तबीयत खराब हो गई थी, जो कि सेम बात है, और तो अब तुम्हारा भाई
अबे बहन के लंच तो अब तुम्हारा इसकी हरकत तो बता बड्डे में हमें छोड़ के भाग गया था 2 बजे इधर आ इधर आ इधर आ पता नहीं कौन नाच रही थी वहां पे 5 बजे पार्टी कर रहा इधर आ भाई ये हमारे बर्थडे ये मटके के लूटे पे रहे भाई मेरा देख ले ये मटके करता हूं 2 मिनट रुक रहेगा एक एक बार तीनों बोलेंगे ठीक है सबसे पहले मैं बोल रहा हूं बीच में जो बोला उसके चाटा है ठीक है दूसरा मार सकता है भाई मारने की कुछ नहीं नहीं अबे बोला तो हां चुप बोला तो बोला बोलेगा बोल रहा हूँ तो भाई मटके का बर्थडे था गुड़गांव में हो रहा था सारे भाई रुके थे बट हमारा भाई वैसे पार्टियां करता है वैसे सब करता है 2 बजे बिना किसी को बताए वहां से का बिल बिठाता है हाँ बिना किसी को बताए वहां से कल्टी हो गया 2 बजे भाई 10 बजे आया था 2 बजे गया था 10 बजे आया था 10 बजे हम यहाँ से निकले थे जूते के बट्टे 12 बजे 11:30 पहुंचे थे भाई मैं तेरे बर्थडे केक से पहले आया था बस 11:30 12 बजे कटा था भाई उसकी बारी आई है उसकी बारी आई है भाई यही बात है और कल कह रहे डियाब्लो चलो और कल कह रहे डियाब्लो चलो 12 बजे और कल सुबह 6 बजे घर आया सो गाइस एंड सॉल्यूशन मेरे को मिल गया इसको सबक सिखाने के लिए इसकी आईडी रिपोर्ट कर दो मैं वैसे किसी को क्या तो मैं दो काम नहीं इसकी आईडी ब्लॉक कर दो टेम्परेरी ब्लॉक होती है रिपोर्ट होने में टेम्परेरी ब्लॉक होती है 7 दिन सो हाय गाइस बुजो आजा आज 3-4 दिन बाद फाइनली एनर्जी के साथ व्लॉग हो गया स्टार्ट तो अब बनाएंगे फुल तगड़ा व्लॉग आज का आइडिया मैंने तुम्हें कल बता दिया था कि क्या बनने वाला है तो अभी किसी को पता नहीं है शांत रहो मजे आएंगे ठीक है सबसे पहले अपनी बेसिक मील ओट्स पीनट बटर और प्रोटीन बस जब बीमार था तब भी यही खा रहा था इसको देखो तब भी यही खा रहा था ठीक हो गया तब भी यही खाएंगे आज बढ़िया एनर्जी है कल जिम गया था कल मैंने हल्का फुल्का बिल्कुल RPE 2 हो गए वर्कआउट बस मशीन हल्की बहुत दिलाई बेंच प्रेस हल्की बहुत करी ताकि शरीर खुल जाए आज जाके बैक मारेंगे तगड़ी आज सॉलिड एनर्जी है बस गला हल्का सा खराब है ये भी ठीक हो जाएगा जल्दी और जो आज दवाई है हमारे पास वो तो वैसे ही ठीक कर देंगे ऐसे ही घुमाती थी अपनी बातों में और दूसरी एक और बात कर लेते हैं एक है अपना एटम का वेट गेनर अब बहुत भाई ऐसे है जो वेट गेन कर ही नहीं पाते जिम विम करते हैं वो क्या रीजन होता है उनकी एपेटाइट बहुत ही स्लो होती है खाना मतलब स्टार्टिंग से ही खाने की आदत नहीं है तो सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगा भाई तुम लिक्विड कैलोरीज वगैरह लेनी स्टार्ट करो अपना सुबह शेक बनाओ और पेट भर भर के खाओ जब तक उल्टी नहीं आती उससे पहले तक खाते रहो धीरे धीरे कभी उल्टी आएगी धीरे धीरे एपेटाइट तेज होगी तुम्हारी बट फिर भी इन हाउ कभी बंदे का होता है कि नहीं कर पा रहा नहीं खा पा रहा तो उनके लिए ये है वेट गेनर आइटम का इसमें आपको हाई कैलोरीज मिल जाती है एक बहुत ही लिक्विड फॉर्म में और बहुत ही लाइट फॉर्म में जिससे आप अपना कैलोरीज इंटेक बढ़ा पाते हो और ये आपको हेल्प करता है आपके वेट गेन करने में अब इसका सर्विंग साइज है 75 ग्राम जो आपको 2 स्कूप लेने पड़ेंगे और मैं कहता हूँ स्टार्ट करना पहले 1.5 स्कूप से फिर 2 स्कूप लेना सीधा 2 स्कूप लेने में स्टार्ट कर देना जब आप ये मंगवाओगे आइटम का प्रोडक्ट है तो आपको पता है ये लैब टेस्टेड होगा और जो इस पे लिखा है वो आपको मिल रहा होगा इसमें कोई भी हैवी मेटल यूज नहीं होता इसका जो फ्लेवर है वो है डबल रिच चॉकलेट क्योंकि सप्लीमेंट में चॉकलेट फ्लेवर एक बहुत ही बढ़िया रहता है जिससे आप बोर नहीं होते बाकी फ्लेवर्स जो होते हैं आप थोड़ा खाओगे फिर धीरे धीरे बोर होने लग जाते हो बट चॉकलेट एक टू दी पॉइंट फ्लेवर रहता है आप स्मूदीज में ऐड कर सकते हो कैसे भी पी सकते हो अब ये आपको क्या करेगा किसमें हेल्प करेगा ये आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है कैलोरीज ज्यादा खा रहे हो तो आप में ज्यादा पावर होगी दूसरी चीज बहुत वेट गेनर में लोगों को क्या दिक्कत आती है भाई पेट खराब हो गया एब्जॉर्ब नहीं हो रहा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी तो जो मेरे भाई अपना वेट गेनर लेना चाहते हैं अपनी कैलोरीज इनटेक बढ़ाना चाहते हैं एक सप्लीमेंट के थ्रू तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा एटम का वेट गेनर फटाफट नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे वहां पे जाके आप खरीद लो जो आपके गोल्स अगर आप क्या कहते हैं थोड़ी कैलोरीज बढ़ाना चाहते हो इन गोल्स में सर्दी आने वाली है धीरे धीरे मौसम बदल रहा है जैसे आपको पता है तो सर्दियों में तो सबको गेनिंग करनी है तो आप ये मंगवा सकते हो और अपने भाई का कूपन कोड लगा आरुष एज इट इज जिससे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा तो चलो तो भाइयो अब तुम्हें पता था कि आज क्या कर रहा था हमने आज हमने कर रहा था डैडी पे प्रैंक ये वाला आज तक मैंने कभी कोई स्टोरी हो रही या पियाई नहीं या कभी स्टोरी भी नहीं डाली इस डर से कि देख लिया तो मेरी बहुत कुटाई होगी और आज पियेंगे तो सामने ही स्टोरी सीधा बनेगी बहुत ही मतलब अंदर से ना लुक लुक हो रही है बट मैंने कहा चल कोई नहीं यार थोड़ा मजा तो करके देखे ताकि तुम्हें मेरे को खुद नहीं पता क्या रिएक्शन आएगा हंसेंगे मारेंगे या फोन वोन ओए जो भी हो वीडियो बनते रहने दियो वीडियो ऑन रहे वीडियो बंद मत करियो चाहे जो भी हो अभी जाके डैडी को कहूंगा डैडी को आपकी वीडियो थी ना एक क्वेश्चन और आया जरा आओ सुनो डैडी कहेंगे की क्वेश्चन है ऐसी कुछ बोलूंगा और यू पीने लग जाऊंगा फिर मेरे में या तो तमाचे पड़ेंगे या मेरे पे लाते पड़ेंगी या मेरे को गंजा कर देंगे या मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे पर या फिर कुछ भी नहीं कहेंगे या फिर सर पकड़ के कहेंगे कि ये लड़का हाथ से निकल गया बट चुल हो रही है पंगे लेने की तो चलो
सुन लो भाई, बकचोदी कर रहा है मेरा भाई। बाकी भाई जो ये चीज है, ये बहुत ही खराब चीज है। आजकल मैं देखता हूँ हर कोई ये पी रहा है, तो भाई ये अंदर से तुम्हें गाल देगी। ये देखना ज्यादातर मेड इन चाइना है। चाइना वाले बड़े हरामी होते हैं, इन्होंने ऐसी चीज बनाई है, खुद तो वहाँ पीने नहीं देते होंगे। यहाँ पे बाहर के देश के सब बंदों को नपुंसक कर देंगे और बहन के लड़ो अंदर से गल जाओगे, पूरा कैंसर वैंसर हो जाएगा। बाकी जो लड़कियां होती है वो तो और ही खराब हो जाएंगी ये पी पी के। छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के सब पी रहे। तो भाई सबसे ये निवेदन है, ये पीना छोड़ दो, बेकार चीजें हैं। बाकी आओ एक कश में भी मारो। पहली बार हाँ जी, ये देखो क्या है ये। बंदे कह रहे हैं कि तुम इतने फ्रेंडली, क्या कह रहे हैं बंदे? वही लड़ाई के बारे में पूछ रहे थे, लड़ाई के बारे में। कह रहे हैं इतने फ्रेंडली कैसे रहते हो? उसका दोस्त का मांग के लाया है वीडियो के लिए। ये भाई अभी और बंदों पे प्रैंक कर रहा था। भाई ये चीज होती है, ये देखो क्या गंद है, ये थर्माकोल डला हुआ है। क्या बोलना चाहोगे एक बार बता दो। ये लोग आज पता है 16-16 साल के बच्चे हैं, लड़कियां लड़के सब पी रहे हैं। इधर बेड़ा गर्क हो रहा देश का, चाइना रहे, चाइना का नाश करने से बैठा थोड़ा लोग था। वही क्यों ना चक्कर जा रहे हो, पर तुमने मारा नहीं, मेरे को लगा मारोगे। धुआं देख के मारा तेरा अंकल जो बैठा है, मारा। अच्छा चलो बचा लिया। सो भाई प्रैंक का बस एक ही चाटा लगा, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगा ज्यादा बोलेंगे कुछ। पर ये बेकार चीज है भाई, वो तू हंस गया था, हंस गया था ना इसलिए। मार बोला मैं ना उम्र बड़ी हो जाएगी तेरी, जाए लॉलीपॉप है। अबे आप थोड़ा जुड़ेगा, ये बाहर फेंक दे उसको, बाहर फेंक दे, दगो के जाए पता चले बंगला को। सीधा कहाँ पे? सौरभ भैया चल लेंगे, चल भाई बंद कर दे। तो भाई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, डैडी को पता था कि मैं ये सब करता नहीं ना, तो मजे वीडियो के लिए कर रहा था, इसलिए कुछ कहा नहीं। जैसे एक्टिंग करनी चाहिए थी पी रहा हूँ और फिर पकड़ लिया, ऐसे कुछ करना चाहिए था। अगली बार वो करेंगे दारू पी के। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी थी।